सो गाइज फाइनली वेलकम बैक टू सी एस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड. सो गाइज आई नो यू ऑल आर सुपर एक्साइटेड टू चेक योर फाइनल मेरिट लिस्ट एंड सीट मैट्रिक्स. तो गाइज फाइनली एज पर द सीईटी शेड्यूल आज आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज होने वाला है और अभी मतलब ऑलमोस्ट 11 बजने को आए अभी तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी वेबसाइट पर रिलीज नहीं हुआ, नॉट इवन सीट मैट्रिक्स. तो क्या आज रिलीज होगा? अगर ये डिले हो गया तो फिर क्या होगा? बिकॉज कल से आपका चॉइस फिलिंग भी शुरू हो रहा है. कल 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 3 दिन आपको मिलने वाले चॉइस फिलिंग में. तो आई वॉन्ट कि आप सब लोग अपनी कॉलेज की लिस्ट के साथ रेडी हो जाओ. एक पेन पेपर पे पूरी कॉलेज की लिस्ट लिख के रेडी रखो कि मुझे ये कॉलेज में ये ब्रांच, ये कॉलेज में ये ब्रांच, ये कॉलेज में ये ब्रांच, पूरा एक प्रेफरेंस ऑर्डर में एक सिक्वेंस ऑर्डर फॉलो करना होता है फ्रॉम द टॉप कॉलेज टू द बॉटम कॉलेज अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर परसेंटाइल एंड रैंक कट ऑफ. अभी आपको फोकस किस पे करना है? स्टेट जनरल मेरिट रैंक के ऊपर ही फोकस करना है. आपकी कैटेगरी में भी हर जगह आपकी जो ऑफिशियल जो कट ऑफ लिस्ट है उसमें परसेंटाइल के ऊपर जो रैंक लिखी होती है ना वो स्टेट जनरल मेरिट रैंक की लिखी होती है. आपका एडमिशन कैटेगरी में होगा बट आपका जो वहाँ पे रैंक मेंशनड होता है ना परसेंटाइल के ऊपर आपकी कैटेगरी के सेक्शन में भी वो स्टेट जनरल मेरिट रैंक मेंशनड होता है. इस चीज़ का ध्यान रखना. अभी चलो वेबसाइट पर चलते हैं, देखते हैं अभी तक रिलीज हुआ या नहीं, आगे का फर्दर डेट्स क्या है. सो फाइनली गाइज अभी आप सब लोग स्क्रीन पे देखो अभी हम आ चुके हैं MHT CET के आपके कैप पोर्टल में. 24-25 का कैप पोर्टल है. जैसे आप नीचे आओगे पहले तो आप देखो आज का शेड्यूल क्या है. आप स्क्रीन पे शेड्यूल देख सकते हो. दो एक्टिविटीज मेंशनड है, एक है डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, सेकेंड है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स. अभी पहले तो सीट मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एक कॉलेज में एक ब्रांच में कितनी सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, ऑल इंडिया की कितनी सीट्स है, ओपन कैटेगरी की कितनी सीट्स है, प्रॉपर मेंशनड होता है. सेकेंडली आपको वहाँ से मालूम पड़ेगा कौन कौन से कॉलेजेस इस बार कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन सी ब्रांचेस में कितनी सीट्स है, नए नए ब्रांचेस कौन से आए, सब चीज़ें आपको सीट मैट्रिक्स में मालूम पड़ेगा. सेकेंडली फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको फाइनल रैंक मालूम पड़ेगा, उस रैंक के बेसिस पे आपका फाइनल एडमिशन होने वाला है इन द फर्दर कैप राउंड्स. तो ये आपका शेड्यूल है बट अभी तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं हुआ. अभी भी आप वेबसाइट पर देख सकते हो देर इज़ नो ऑप्शन टू चेक फाइनल मेरिट लिस्ट. अभी ये फाइनल मेरिट लिस्ट जब रिलीज होगा तब कहाँ पे शो होगा? जैसे यहाँ पे है ना चेक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट स्टेटस, इसके ऊपर आ जाएगा चेक फाइनल मेरिट लिस्ट स्टेटस. आपके वहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट का स्टेटस चेक करना है. एकदम एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है और अपना फाइनल मेरिट लिस्ट स्टेटस चेक करना है. इवन ये होने के बाद डाउनलोड्स में जब जाओगे ना तो डाउनलोड्स में अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका प्रोविजनल सब चीज़ें मेंशनड है. तो डाउनलोड सेक्शन में भी आप यहाँ पे देखोगे इट्स ऑल अबाउट प्रोविजनल सेक्शंस कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ऑल इंडिया प्रोविजनल मेरिट लिस्ट. तो यहाँ पे आपको फाइनल मेरिट लिस्ट भी मिल जाएगी, ऑल इंडिया की भी आ जाएगी, महाराष्ट्र स्टेट की भी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी. तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा फाइनली आपके ऊपर कितने लोग हैं. अभी और एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना था कि भैया फाइनल मेरिट लिस्ट में कितना रैंक में चेंज होगा, क्या हमारी रैंक बढ़ेगी या फिर कम होगी? एनी टाइम गाइज आपकी मेरिट रैंक बढ़ती है, आपके स्टेट जनरल मेरिट रैंक ऑलवेज इंक्रीज. क्यों? क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जो ऑल इंडिया से अब महाराष्ट्र स्टेट में ट्रांसफर होते हैं. तो जैसे जैसे बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो थोड़ा सा माइनर करेक्शन आता है चेंज में. अभी ये माइनर करेक्शन मतलब अगर ज़्यादा परसेंटाइल हो 10-20 का चेंज का, थोड़े एवरेज परसेंटाइल पे आओगे तो 100, 200, 300, 400, 500 का चेंज, और ज़्यादा कम परसेंटाइल हो 50, 60, 40, 50 परसेंटाइल तो आपका नॉर्मली 500 से 1000 के बीच में थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा. तो ये था आपका फाइनल मेरिट लिस्ट. होप्स आप सभी का ज़्यादा चेंज ना हो, आपको फाइनली आप सभी को अपने कॉलेज के लिस्ट पे वर्क करना शुरू कर दो. आपकी कॉलेज की लिस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपका आप देखोगे आगे शेड्यूल, आगे का शेड्यूल में आपका 9, 10 और 11 तीन दिन मिलेंगे आपको अपने कॉलेज की लिस्ट अपलोड करने को. ये तीन दिन में आपको चीज़ें अपलोड करनी है तो बी रेडी विथ योर कॉलेज लिस्ट. गाइस बेस्ट ऑफ लक, जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं तुरंत ही लाइव स्ट्रीम में भी आ जाऊंगा, वीडियो भी अपडेट कर दूंगा. सो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना. एंड गाइस यू ऑल कैन ऑल्सो डाउनलोड आर ऐप. ऐप के ऊपर कॉलेज प्रिडिक्टर है और इस कॉलेज प्रिडिक्टर्स के थ्रू आप अपना कॉलेज प्रिडिक्ट कर सकते हो. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अभी को मैं बताना चाहता हूँ ये कॉलेज प्रिडिक्टर के बारे में. ये कॉलेज प्रिडिक्टर हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है. ऐप का नाम है कंसेप्ट सिंप्लीफाइड. तो आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे होम पेज पे आपको दिख जाएगा कॉलेज प्रिडिक्टर मास्टर एक्सेल शीट. उस पर आप क्लिक करोगे कॉलेज प्रिडिक्टर ओपन होगा. इस कॉलेज प्रिडिक्टर पे आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हो. सारी जितने भी कैटेगरी लिखी हुई है उन सारे के एक्सप्लेनेशन है कि वो कैटेगरी का फुल फॉर्म क्या है. सब कैटेगरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी. उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना सीट टाइप सिलेक्ट करना है. सीट टाइप मतलब कैटेगरी. जैसे यहाँ पे मैं अभी ओपन लिख रहा हूँ तो मेरे पास ओपन कैटेगरी के सारे आ जाने चाहिए. तो यहाँ पे मैं देख सकते हो आप स्क्रीन पे, यहाँ पे जी ओपन एच ओ और एस,
ये दोनों मैंने सिलेक्ट, तीनों सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में मैं ऑल ले रहा हूँ, सिलेक्ट रीजन, मुझे सारे रीजन के कॉलेज चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रांच, मुझे सारी ब्रांच चलेगी, मैं अपने ब्रांच भी, अभी दो ऑप्शन है, परसेंटाइल से भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, रैंक से भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। अभी आप सभी के पास अपने प्रोविजनल मेरिट रैंक आ जाएगी, आप यहाँ पे रैंक के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे आपकी जो भी रैंक आई आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। सच एज द हैज सच मेरे 2000 रैंक आई है, तो यहाँ पे मैंने 2000 पे सबमिट कर दिया, तो मुझे सारे कॉलेजेस के ब्रांच वाइज फिल्टर मिल गए। देखो PICT इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन जी ओपन में कट ऑफ रैंक कितनी गई थी 2053 और परसेंटाइल कितने गए थे लास्ट ईयर 99.17। तो मुझे पूरा ऑप्शन फॉर्म डिजाइन होकर मिल गया कि मुझे इस प्रेफरेंस के हिसाब से मैं डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे आप एक पेन पेपर पर नोट डाउन करते जाना कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच क्या परसेंटाइल क्या रैंक के ऊपर आपको मिल रही है, सब चीज आपको मिल जाएगी। अभी आप नीचे जाओगे तो नीचे ये पूरा जीरो तक जाएगा, ये आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगा, इस चीज का जरूर फायदा उठाना, हमारे ऐप के ऊपर ये पूरा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइज बेस्ट ऑफ लक, जरूर यूज करो इसका।